नमस्कार साथियों, बीपीएससी की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इन्होंने एक अपडेट डाला है कि जो भी कैंडिडेट टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में प्रेजेंट हुए हैं, आई रिपीट अगेन कि जो भी कैंडिडेट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में प्रेजेंट हुए हैं वो अपना डीवी करा सकते हैं, राइट? वो अपना डीवी करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 26, ठीक है, वो अपना डीवी करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा है कि सूचित किया जाता है कि लॉगिन के उपरांत सारे कैंडिडेट्स को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि लॉगिन करें। सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाएं, अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करें, जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड था जहां पे अब जब आपने फॉर्म फिल किया था, और DOB, दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण की कोटि, जाति, पता, देखिए इन्होंने यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इतनी सारी चीजें आप जाके चेक करिए, जाति, पता एवं शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूं कि कई कैंडिडेट्स मेल को फीमेल फिल करके आए हैं, उनके पास BTC और BEd दोनों था, लेकिन उन्होंने BEd से फॉर्म भर दिया। अभी NCTC की जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, उन्होंने BTC को PRT में अलाउ किया है और BEd को अलाउ नहीं किया है। तो आप जाइए सेफली BTC चेंज कर दीजिए, BTC को प्राइमरी में रखिए, सेफ जोन में रहेंगे। अगर BEd के अगेंस्ट में फैसला आया तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो 1 सितंबर 2023 से 3 सितंबर 2023 तक अपने DV जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। अपलोड दस्तावेज में किसी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, परंतु अपलोड किए गए संबंधित दस्तावेज का प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटिरहित किया जा सकता है। अपेयरिंग अभ्यर्थी के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। जिलों में दिनांक 4/9/23 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टि में अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये इन्होंने कहा है कि जो अपलोड किया है, जो DV के टाइम पे आप लेके जाओगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वेरीफाई कराने के लिए मूल प्रमाण पत्र, उससे आपका ये डॉक्यूमेंट मैच करना चाहिए। उक्त वर्णित प्रविष्टियों के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का विकल्प नहीं है। अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्टि नहीं रहने पर अर्हता प्रभावित हो सकती है। अब देखिए ये जो लेटर आया है 29 अगस्त 2023 का, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है BPSC के, उनका ये लेटर है और इसको आप सोच करिए, आज आखिरी डेट है। अच्छे तरीके से अगर आप चीजों को हैंडल करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, और अदरवाइज कोई भी मिस्टेक होगी, ठीक है, आपको इन सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा, लाइक DOB, कॉस्ट, एड्रेस, कैटेगरी, PWD, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। और 1 से 5 के बारे में उन्होंने बोला है कि अभी हम सूचनाएं नहीं दे रहे हैं, अभी हमने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बारे में बोला है, और ये सूचना जो भी अपडेट करनी है अभी कर लीजिए, अदरवाइज आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर DV। वैसे भी 9th 10th में और 11th 12th में कॉम्पिटिशन बहुत कम है, तो जितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया उनके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। तो इन्फॉर्मेशन चैनल पे अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पे कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, जो इस एग्जामिनेशंस का पार्ट है, जो अपियरिंग एग्जामिनेशन दिया है, जो DV कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।